नमस्कार, जयदेश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। बता दें कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें नगर लखनऊ सहित पूरे यूपी में अब कोई भी सड़क पे गाड़ी खड़ी करता है या कोई भी वाहन खड़ा करता है तो वो नगर निगम को उसको शुल्क देना पड़ेगा। ये शुल्क जो है प्रति रात 100 रुपये की दर से शुरुआत की जाती है और एक हफ्ते के लिए उसका शुल्क 300, वहीं एक महीने के लिए 1000 और एक साल के लिए 10000 तक का है। इससे सिर्फ यूपी सरकार का एक ही मंशा है कि इस शुल्क से जो दरें हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, वहीं अतिक्रमण कम होगा और जो सड़कों पर अनजान तरीके से कहीं भी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि सड़क तो चौड़ी है लेकिन अगल बगल गाड़ियाँ खड़ी होने के वजह से वो जो रास्ते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवागमन में बाधा पड़ती है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक ही जगह पर एक ही कॉलोनी में देखिए गाड़ियों की जो भरमार है वो लगातार है। और ये सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये लगातार रोज़ का है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर आता है और खड़ा कर देता है, जिसकी देखने के लिए कोई नहीं आता। नगर निगम के तहत अब ये रूल लागू हो जाएगा और रूल लागू होने के बाद अब कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना, धन्यवाद।